आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो दौरत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। इस टाइम हम ठीक आपको ये बताते हैं, हम इस टाइम हम डोडा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जो किश्तवाड़ रोड पे हम इस वक्त मौजूद हैं। बहुत सालों से अगर आपको हम बताते चलें, इस रोड को ब्लैक टॉप कर दिया गया था, उसके बाद रोड काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, लोगों को इस बीच दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर उसके बाद अगर हम आपको बता दें, हमारा असर आ गया, खलैनी आ गया, यहाँ किश्तवाड़ आ गया, इस रोड पे ब्लैक टॉप का काम शुरू हो चुका है। रोड जो काफ़ी अच्छी दिख रही है हमें, और इसकी अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का काम इस वक्त काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से उन्होंने इस एक तरफ से महामारी चल रही है, एक तरफ से कोरोना वायरस से इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, दूसरी ओर से अगर हम बात करें, इस टाइम हमारे इंजीनियर्स हैं, चाहे वो हमारे लेबर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो रात दिन इस रोड पे लगे हुए हैं, इस रोड को काम करने पे। अगर हम बताते चलें आपको कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने अब तक अपना काम अंजाम दिया है, चाहे वो कोरोना वायरस की ओर से अगर हम कहें, रात दिन उन्होंने ये किया। उसी के साथ अगर हम आपको हम ये भी बता दें कि किस तरीके से उन्होंने इस काम को भी शुरू कर दिया है, इस सब पे आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइड इंजीनियर करणदीप सिंह मौजूद है हमारे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू सर। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से बहुत पहले की अगर हम बात करें, काफ़ी ख़राब रोड थी, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, मगर अभी मैंने देखा किस तरीके से रोड ब्लैक टॉप हो रही है, तो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने इसको ब्लैक टॉप किया? सर, ये हमने स्टार्ट किया था असर से। जी जी। और असर से हम इसको रेगुलरली करते आ रहे हैं। जैसे असर के बाद रगी नाला हो गया, उसके बाद जट्ठी हो गया, जट्ठी के बाद कनेरी नाला, सभी एरिए में हम इसको ब्लैक टॉप करते आ रहे हैं। तो अभी हम फाइनली यहाँ पे पहुँचे हैं, डोडा क्रॉस करके 7 किलोमीटर, जैसे आपने बताया कि हम अभी 7 किलोमीटर आ गए हैं डोडा से। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे, तो अभी यहाँ से हमने आगे ठाठी तक इसको भी लेके जाना है ब्लैक टॉप को। सर, जब आप इस रोड को ब्लैक टॉप कर रहे थे तो कितनी रोड ख़राब हो चुकी थी? सर, जब हम कर रहे थे, रोड तो ख़राब थी काफ़ी, तो खड्डे काफ़ी थे, तो उसी हिसाब से हम काम अच्छा कर रहे थे। और पूरे जैसे हमारे इंजीनियर्स, लाइक जैसे हमारे इंजीनियर दमनप्रीत सिंह, इनका भी काफ़ी अच्छा इन्होंने टीम वर्क किया, और हमारे साइड इंचार्ज गुरविंदर सिंह, भूपिंदर सिंह, उनका भी काफ़ी अच्छा इसमें वो रहा। तो जैसे हमारी सीनियर्स हैं, जी जी, उनका भी काफ़ी हमें अच्छा, उन्होंने हमें हमारे हर चीज़ की फैसिलिटी हमें दी, तो जिसकी वजह से हम ये पूरा काम कर सके। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से एक साइड से इस वक्त कोरोना वायरस तेज़ी से फैला हुआ है, अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो बहुत सारे केसेस यहाँ पर भी आए हैं हमारे सामने, उसके बाद भी आप इस रोड पे लगे हुए हो, काम कर रहे हो रात दिन, तो कितनी कुछ दिक्कत वगैरह का सामना करना पड़ा आपको? सर, दिक्कत तो थोड़ा सा ये था कि हमें थोड़ा सा ये था कि अब इस काम में सोशल डिस्टेंसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ा। जी जी, बिल्कुल। जैसे हमारी लेबर्स है, हमारी टीम है, तो वो हमें इस चीज़ का, लेकिन यहाँ के लोगों का हमें बहुत साथ मिला, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का हमें बहुत साथ मिला, और उस वजह से हम इस काम को पूरा कर सके। जी जी। तो अभी तक आपने कितना कंप्लीट कर दिया, और क्या इसमें रह गए अभी, ये जहाँ तक अभी आपने जाना? सर, ये टोटल ये था 52 किलोमीटर था जी, तो जिसमें से हमने 40 किलोमीटर को डन कर दिया। जी जी। तो और कुछ दिनों में ये हम कंप्लीट कर देंगे इसको पूरा 52 किलोमीटर। सर, आपने जब ये रोड का काम शुरू किया हुआ था, इस बीच जो इस वक्त गाड़ियों का आमदोरफ्त रहता है, चाहे वो किश्तवाड़ के लिए हो, चाहे वो डोडा के लिए हो, इस बीच किसी प्रॉब्लम्स का फेस वगैरह कुछ करना पड़ा आपको? एक्चुअली इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम था कोरोना की वजह से। जी जी। तो उस वजह से हमें बहुत हेल्प मिली इस काम को थोड़ा स्पीड में करने में, तो अभी इस तरीके से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई हमें, तो अच्छा चल रहा था, अच्छा सब ठीक था। तो ये थे हमारे साथ करणदीप सिंह जी, जिन्होंने हमारे सामने ये बताया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने अभी तक इस काम को शुरू किया और कहाँ तक इसको ले जाना है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ बाकी सब अपडेट्स के लिए, और देखते रहिए दौरत न्यूज़। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। शब्बा खैर।